खातन में मेल पैटर्न ग्रोथ शुरू हो जाना यानी कि वेमेन आर नॉट सपोज टू हैव थिक अपर लिप हेयर और थिक बियथ और द चेस्ट बैक और द टमी बट आज कल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है थर्टीज लॉट ऑफ एक्सिव थिकेशियल हेयर ऑन दिज एरिया पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाए और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से तो इसकी सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहत है और क्या कुछ कर सकते हैं हम कि इन चीज़ों से बचा जा सके एट एन अर्लियर स्टेज सो so, बहुत सारे रीजन्स में सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ आई थिंक द डाइट एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनमें से कुछ चीज़ें मॉडिफाइबल फैक्टर्स होंगी जिनका हम कुछ कर सकते हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते मॉडिफाइबल फैक्टर्स में सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डाइट इन विच पोल्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सी दैट द इनटेक ऑफ चिकन एंड एग्स हेज़ बिन अलॉट लेटली बच्चे और कुछ खाना नहीं चाहते स्पेशली ंग uh, बच्चियाँ जब भी हमारे पास आती हैं स्पेशली कुछ लोग जो कि बहुत एक्सेसिव वेट लॉस के चक्कर में दे टेक अ लॉर्ड ऑफ हाई प्रोटीन डाइट जिसमे द स्टेपल डाइट इज चिकन फॉर दैम तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ़ टेकिंग ल लॉर्ड ऑफ चिकन इन यूर डाइट आई दर यू स्विच टू ऑर्गेनिक यानी कि आप देसी चिकन एंड एग्स से उसको स्विच करें या तो आप कंप्लीटली चिकन को बच्चों को कहें कि देख यू कैन इवन स्विच दैम टू अधर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लाइक लेंटल्स बीफ मटन यू कैन टेक अलोर ऑफ़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट और uh, ताकि एटलीस्ट ये एक्जॉजनस सोर्स से जो हम मेल हार्मोन्स इंजेस्ट कर रहे हैं उसको रोका जाए सेकेंड एक रीज़न आता है पॉलीसेस्टिक वेरियंस सिंड्रोम विच इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स ऑलमोस्ट वन एंड फाइव वेमेन हैव पॉलिसस्टिक वेरियंस सिंड्रोम बाई दैट आई मीन के आपकी ओवरीज में छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से आपके अंदर मेल हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है एक और रीज़न फेशियल हेयर एक्सेस का हॉर्मोनल uh, इंबेलेंस भी है लाइक आई सेट के आपका पी में भी हारमोनल इंबेलेंस हो जाता है आपके मेल हॉर्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं बहुत मेल्स एंड फीमेल्स हैव बहुत काइंड ऑफ हॉर्मोन्स मेल्स एंड फीमेल्स बट फीमेल्स में फीमेल हॉर्मोन ज़्यादा होने चाहिए बट अलॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ आइदर डाइट या फिर आपके अंदर की कोई इंटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके मेल हॉर्मोन्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारी ये मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ शुरू होती है तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है आई एम वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट रिकार्ड वेर आई टेक अ कम्प्लीट हिस्ट्री एंड आई एग्जामिन द पेशेंट इन डिटेल और उसके बाद इफ दर एनी टेस्ट विच ऑर्डर दो टेस्ट स्पेशली हारमोनल इम्बेलेंस के लिए हम देखते हैं और अल्ट्रासाउंड uh, भी किया जाता है जिसमें हम आपके ओवेरियन स्टैटस uh, देख सकें और इसके अलावा कुछ थायरॉयड भी और दूसरे हार्मोन्स भी चेक किए जाते हैं

Uh, दूसरा एक और बड़ा कॉमन है कि हमारे uh, मुल्क में अनफॉर्चुनेटली uh, एक जो वाइटनिंग ट्रेंड है जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ओ में आते हैं विद वेरी थिन एट्रोफिक स्किन क्योंकि वो स्टेरयडल अब्यूज़ की वजह से हो जाता है होता यह कि ये जो सो कॉल्ड ब्यूटी क्रीम्स अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर थ्रू आउट द कंट्री इनमें बहुत सारों में मर्क्यूरी स्टेरॉयड्स शामिल होते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज़ से आपकी स्किन पतली हो जाती है पिंपल्स निकलना शुरू जाते हैं एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ हो जाती है थिन एट्रोफिक स्किन की वजह से धूप पड़ने की वजह से इंस्टेंट पिगमेंटेशन भी शुरू हो जाती है इनिशली द पेशेंट्स रियली यू नो रैक्यूल रिजल्ट विद द क्रीम्स बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रीम्स स्टार्ट टू सेट इन तो हम वो भी अवॉइड uh, करने का पेशेंट को बताते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू अस उनमें से इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट देयर सो मेनी पीपल हु हैव बिन यू नो विक्टिम्स ऑफ़ यूजिंग दीज क्रीम्स तो उसको हम ऑफ़ कोर्स डिस्करेज करते हैं ये तो हो गए कुछ रीजन्स uh, के क्यों फेशियल हेयर हो जाते हैं अब हम इसका कर क्या सकते हैं तो सबसे पहले तो द रेगुलर मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल इंक्लूड एपिलेशन जिसमें कि वैक्सिंग ट्वीजिंग शामिल है थ्रेडिंग शामिल है उसके अलावा डेपिलेटरी क्रीम्स होती हैं यानी कि क्रीम्स जो कि आप लगा के हेयर uh, रिमूव कर सकते हैं उससे भी मगर इन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स जब भी आपको रूट से आप अपना हेयर प्लग करेंगे तो देर आर चांसेस ऑफ डिवेलपिंग फॉलिकुलाइटिस बाई बाई दैट आई मीन कि आपका कुछ ना कुछ वो हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन होना शुरू जाता है पोर क्लॉग हो जाता है सबेस ग्लान्स एक्सेसिव ऑयल uh, प्रोड्यूस करने की वजह से वहाँ पे वो ब्लॉकेज हो जाता है इनग्रोन हेयर बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी हो जाती है पस बनना शुरू हो जाती है तो इन चीज़ों को भी हम uh, थोड़ा डिस्करेज करते हैं एंड वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू परमानेंट रिजल्ट उस पर भी मैं भी आती हूँ इसके अलावा क्रीम्स आई मैंशन क्रीम से ये होता है कि अलॉट ऑफ पीपल कम विद डर्माटाइटिस आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम उसका मतलब ये कि एग्जिमा होना शुरू जाते हैं ये क्रीम्स काफ़ी इरीटेटिंग होती हैं टू द स्किन और हर जगह आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते बट इन क्रीम से जब शुरू में स्किन में रेडनेस सोजिश आएगी तो ऑफकोर्स इट विल फॉलो विद पिगमेंटेशन तो हम ये क्रीम्स भी आपको कहते हैं कि कोशिश करें ना इस्तेमाल करें सो माई क्लिनिक इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद एंड आई वर्क बिटवीन टेन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग टिल फोर थर्टी इन द आफ्टरनून यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट थ्रू दी वेबसाइट ऑफ डॉक एज़ वेल सो आई डू ऑनलाइन कंसल्टे एज वेल फॉर पीपल हु डू नॉट लिव इन इस्लामाबाद इफ़ यू वॉन्ट टू बुक इन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मी You can use the platform of Alladoc and book an appointment with me uh, between 10 o'clock till 4 o'clock.